ऐसा हुआ जो ये जगह का नाम है दाकिनीपुर है। हर महादेव, सभी को तो आज तुम्हारा भाई और तुम्हारा दोस्त तुम्हें लेके आ गया है गुवाहाटी। गुवाहाटी में एक ऐसा जगह जिसने अभी तक किसी ने इस जगह को नहीं दिखाया है और एक हिडन जेम्स की तरह इसको माना जाता है। यहाँ मान्यता ये है कि जो शंकर भगवान का यहाँ पे शिवलिंग है, यहाँ पे शिवलिंग के पास आसपास मंदिर नहीं बन पाया। क्या कारण है क्या नहीं, हम यहाँ के लोकल से जानने की कोशिश करेंगे। सुनने में आता है कि दिन में मंदिर बनाते हैं और रात को मंदिर टूट जाता है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो हम इसका चलते हैं पता लगाने और मैं और आप मिलकर देखेंगे आज हिडन जेम गुवाहाटी का। आइए। तो गाइस, ये है भीम कालेश्वर मंदिर। तो ये इसका एंट्री है। हर महादेव, हर हर महादेव। पुजारी जी हैं। हाँ जी। और पुजारी जी हमें बताएंगे इस मंदिर की महानता। ये महत्व ऐसा हुआ जो ये जगह का नाम है दाकिनीपुर है। दाकिनीपुर। हाँ, दाकिनीपुर में यहाँ से एक सौर्य पर्वत है, गुना नाम को एक उससे बास करता था, वो उनका नकलर का था। तो कुठूर का पैसा करने के बाद गुना उसकर ने ब्रह्मा वरदान मिला। ब्रह्मा वरदान मिलने के बाद गुना उसकर ने यहाँ पर काम है ना कामरूपेश्वर कामदेव को बंदी करके जगह पर रख दिया। तो कामदेव ने क्या कराया है, बोलती सलाह में उसको तीन बना पड़ते उनको नमस्कार नमस्कार जब तब जब पढ़ाए तब सजा पर्वत से भीमा उसूर आते बोला हे कामदेव तुम मेरा बुंदी सलाह बुंदी हो कि इसी तीन बना पड़ते तुम नमन शिवाय नमन शिवाय जब पढ़ाए तुम नमन शिवाय बोन करो और जितने तुम तोड़ दो नहीं तो तुमको मैं मार डालूंगा। तो कामदेव ने बोला हे भीमा उसूर मैं नमन शिवाय बोल नहीं कर सकता और जितने तो नहीं सकता क्योंकि जितने को भगवान से विराजमान है मैं तुम्हारा बुंदी सलाह बुंदी हूँ जो करना ही होगी पूरा। तो भीमा उसूर ने बोला हे कामदेव तुम मेरा बात नहीं माना तुम तुम्हारा आरोग्य बातों का आह्वान करो रक्षा करने के लिए अभी तुमको मैं मार रहा हूँ। तो कामदेव को मारने के लिए उसका तुरुआल फेंक दिया। तो उसी ज्योतिलिंग से भगवान से प्रकट होकर उसका तुरुआल जला दिया और भीमा उसूर को भी जला दिया, उसको आग जलते रहा। तो फिर स्वर्ग से इंद्रदेव को महादेव का लीला देखने के लिए बुलाया। आगे बोला हे महादेव वो भीमा उसूर तो ब्रह्मा वरदान मिला हुआ है उसका तो आप बुझेगा नहीं कि कहीं बुझा जाए। तो महादेव ने बोला इंद्र देवता उसका बुझेगा तुम लोग माता गंगा जी को आह्वान करो माता गंगा जी आते उसका बुझा देगा। तो इंद्रदेव को महादेव का वाणी सुन के माता गंगा जी को आह्वान किया। माता गंगा जी इंद्रदेव के आह्वान से संतुष्ट होकर आकर उसका बुझा दिया उसी दिन के माता गंगा देते रहा। तो माता गंगा हाँ माता गंगा। तो फिर इंद्रदेव ने बोला हे महादेव ये दाकिनीपुर दुखित जगह है आप भक्तों का कल्याण के लिए जितनी पर विराजमान हो जाइए। तो महादेव ने बोला इंद्र देवता मैं ब्रह्मा वरदान का रक्षा के लिए भीमा नाम को उसूर को नाम से भीमा शंकर भीमेश्वर बांधते रहूँगा। उसी दिन से मंदिर का नाम हुआ भीमा शंकर मंदिर और ज्योतिलिंग का नाम हुआ भीमेश्वर ज्योतिलिंग। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था हिडन जेम्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, तो मैंने बाबा से भी मिलकर आप लोगों को इसके बारे में बताया और इस बारे की जगह के बारे में दिखाया। तो आप भी अगर गुवाहाटी आए असम के साइड आए तो ये जरूर आए। ठीक है, हर हर महादेव।